नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम संपूर्ण क्रांति पढ़ रहे थे। कल जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़े। जयप्रकाश नारायण में दो चार बात याद रखने की जरूरत है। पहला कि उनके बचपन का नाम बाउल था, बाउल। और दूसरा कि वह असहयोग आंदोलन के समय से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किए, जबकि वह छात्र थे। असहयोग आंदोलन के समय वह छात्र ही थे, पटना कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, इंटर की परीक्षा दे रहे थे और परीक्षा में 7 दिन बाकी ही था, तो असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद 1929 में अमेरिका चले गए। अमेरिका से पढ़ के वापस आए, फिर कांग्रेस ज्वाइन किया 1929 में। तो यह दो चार बात है जो अभी, और उनका प्रसिद्ध नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हुआ। यह तीन चार बात आपको याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जरूरी। अब हम संपूर्ण क्रांति में जो कि भाषण है, भाषण का एक अंश है, जयप्रकाश नारायण के भाषण का अंश है, उसे हम यहाँ पढ़ेंगे। क्या जयप्रकाश नारायण की उस समय क्या भावनाएं थी, क्या चाहते थे, सब कुछ इसमें बताया गया है। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति, इसको याद रखिएगा। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति को याद रखिएगा। यही समिति मूल रूप से संपूर्ण क्रांति में हिस्सा ले रही थी। जितने भी छात्रों का संगठन था वह बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति बनाया गया था। इसी के बैनर तले क्रांति हो रही थी। के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृतियों को जागृत कर दिया है। इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम ना होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। अब इसको आपको लिख लेना है, याद कर लेना है कि जब जयप्रकाश नारायण वेल्लोर थे, मद्रास गए हुए थे, तब वे अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। वहां दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए। तो दिनकर बाबू मतलब रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर वही मद्रास में थे उस समय। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं हैं आपसे लगी थी, उन सबकी पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया है, मैं देखता हूं। तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। तो देखिए, दिनकर जी का उसी समय देहांत हो गया था और उससे पहले वे जयप्रकाश नारायण से मिले थे और हर संभव प्रयास करने के लिए और उनसे जो भी बन पड़ेगा वह करने के लिए जयप्रकाश नारायण को उन्होंने आह्वान दिया था, लेकिन बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे, क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। तो देखिए यहाँ बता रहे हैं जयप्रकाश नारायण की क्रांति इतना आसान नहीं। आपको गोली खाना होगा, लाठी खाना होगा,
जेल जाना होगा, आपके घर की कुर्कियां होगी, यह सब कुछ होगा, माने यह सब कष्ट सहना होगा, तब जाके यह क्रांति होगी, संपूर्ण क्रांति। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी लोगों का निशाना बने, या तो फांसी पर लटकाए गए जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही। लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज्य है उसमें जनता कराह रही। तो देखिए, यहां बता रहे हैं, याद करवा रहे हैं कि देश भर के साथियों ने भारत को आजाद कराने के लिए, स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलन किया, जेल गए, शहीद हुए, लेकिन आज भी स्वराज की प्राप्ति, आज देश को आजाद हुए 27-28 साल हो गए, लेकिन आज भी जनता कराह रही है, भूख से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, सबसे, रिश्वत से, बैंक में हर जगह रिश्वत है, मैंने सब जगह भटकना पड़ रहा है, सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता, हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन का नष्ट हो रहा है, शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा। तो इस सम वह यह भाषण है जब जयप्रकाश नारायण दिए थे कि हर जगह भ्रष्टाचार है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता, ट्रेन का टिकट लेना हो या सरकारी दफ्तरों में काम करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। यह उस समय 74 में यह पढ़ा गया भाषण है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि यह वर्तमान स्थिति में भी बिल्कुल फिट बैठ रहा है, वर्तमान स्थिति यही हालात है। शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना, नौकरी के लिए नौकरियां मिलती ही नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। तो आगे बता रहे हैं कि गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है लेकिन वर्तमान यह है कि गरीबी बढ़ ही रही। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदय ग्राही थे, और उसी रात जब विदा हुए उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनका अस्पताल पहुंचाया गया, गोयनका जी ने 3 मिनट में, विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते, सारा इंतजाम था वहां पर, पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार ना हो पाता, सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा ना हो पाया, उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। अब यह देखिए, दिनकर जी की मृत्यु का बात कर रहे हैं, जब दिनकर जी मद्रास में थे और अपने एक मित्र के यहाँ, माने रामनाथ गोयनका जी के यहाँ रुके हुए थे, और उसी समय उनको दिल का दौरा पड़ा, आनन फानन में 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन कोई भी औजार काम नहीं कर पाया। फिर दिनकर जी वापस, उनका हृदय जाग न सका और उनकी मृत्यु हो गई। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नवनिर्माण के लिए,
जो देश के युवकों और छात्रों और देश की साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है। वह कविता शायद इसी नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती, लेकिन आज दोनों ही नहीं, न दिनकर जी हैं न बेनीपुरी जी। तो उसके बाद दिनकर जी के बाद बेनीपुरी जी को याद करते हुए कहते हैं कि उनकी जो कविता है वह छात्रों में, युवाओं में, देश के साधारण व्यक्तियों में जोश और क्रांति भर देता अगर बेनीपुरी जी होते और दिनकर जी होते, लेकिन आज दोनों की कमी इस देश को खा रही है। तो मित्रों, ये स्मृतियां जाग रही है और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लाया है। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं, जब पहले हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था, और उसके बाद बराबर कहता रहा हूं, संचालन समिति में बहस करता रहा हूं, हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए, हमें दूसरी पीढ़ी के हो गए, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथ में, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। तो यहाँ देखिए, जयप्रकाश नारायण देश के युवाओं से जो है आह्वान कर रहे हैं कि हम बूढ़े हो चले हैं, लेकिन देश युवाओं के बागडोर में है, बागडोर युवाओं को अब संभालना है, इसीलिए आप देश के भविष्य हैं, आप इस क्रांति में शामिल होइए, क्रांति करिए और देश के नेता बनिए, देश को आगे ले जाइए। मैं आपको सलाह दूंगा तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया कि अपनी अयोग्यता का और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी, आप सब से भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिटेक्ट करे पीछे से क्या करना है। जयप्रकाश नारायण, तुम्हें तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूंगा, मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझेंगे और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा, इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती। तो देखिए, यहां बता रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि कैसे इस आंदोलन का नेतृत्व हमने संभाला। छात्रों की संघर्ष समिति मेरे यहाँ पहुंची और मुझे सारी बातें बताई, तो नेतृत्व स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने नेतृत्व स्वीकार करने के लिए साफ कह दिया कि मैं सबकी बात सुनूंगा, सबकी बात समझूंगा, सबकी बात लूंगा, लेकिन फैसला जो भी होगा वह सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, मैं जो कहूंगा उसको मानना पड़ेगा, और अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर मैं इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करूंगा, इस आंदोलन को मैं छोड़ दूंगा। तो इस आधार पर जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए स्वीकार करते हैं कि जो भी फैसला होगा वह मेरा होगा और आप लोगों को वह फैसला मानना हो, तभी आंदोलन सफल होगा, नहीं तो मैं नेतृत्व स्वीकार नहीं करूंगा। और नहीं तो आपस के झगड़े में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। बहुत दिन से सार्वजनिक जीवन में हूं, 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में ISC का विद्यार्थी था, हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे,
उस समय के विद्यार्थियों में, और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबी के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए, मधुकर बाबू उनके जमात बाबू फुलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया कि फुलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी मैं दाखिला होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकार रुपया, सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, स्वतंत्र नहीं था वह, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। तो देखिए, जैसा कि बताए थे कि जयप्रकाश नारायण असहयोग आंदोलन के समय जब गांधी जी ने आह्वान किया, तब इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, परीक्षा छोड़ दिया और 1.5 साल तक पढ़ाई छोड़ दी। बाद में राजेंद्र बाबू के कहे अनुसार फुलदेव सहाय बाबू के लेबोरेटरी में इनको प्रयोग करने के लिए छूट मिला, इन्होंने प्रयोग किया। और मदन मोहन मालवीय के बारे में बता रहे हैं कि वह पूजनीय हैं, लेकिन हिंदू विश्वविद्यालय में भी उन्होंने दाखिला लेना स्वीकार नहीं किया जयप्रकाश नारायण ने, क्योंकि हिंदू विश्वविद्यालय का जो खर्चा है वह सरकारी पैसा से उनको दिया जाता था, यानी अंग्रेजों के पैसे हिंदू विश्वविद्यालय में लगा करते थे। तो बस इस बात पर उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिला नहीं लिया, मदन मोहन मालवीय के कहने पर भी नहीं लिया। और चूंकि बात थी कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में ही सिर्फ दाखिला लेना है, इसलिए उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण के अंदर राष्ट्रीय भावना इस प्रकार थी कि उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय तक में दाखिला नहीं लिया, क्योंकि उनके खर्चे भी अंग्रेज चला रहे थे। तो इस प्रकार यह अपनी राष्ट्रीयता का परिचय दे रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि वह भी क्या जमाना था। तो देखा आपने कि किस प्रकार से चाहे छात्र आंदोलन को स्वीकारने की बात हो या असहयोग आंदोलन में भाग लेने का बात हो, सब में जयप्रकाश नारायण ने देश हित में देश को ऊपर सर्वोपरि रख के काम किया। अब इसमें हम आगे कल पढ़ेंगे और जानेंगे कि और आगे भाषणों में क्या क्या अंश इन्होंने गिनाए, भ्रष्टाचार के अलावा और क्या क्या बातें थी जो उस समय फैली हुई थी। और यह जो भाषण है यह आज के वर्तमान समय में भी उतना ही सटीक है जितना कि आज से मैंने 50 साल पहले था। बहुत बहुत धन्यवाद।